कल्याणपुरी जिहड़ा मोहल्ला क्लिनिक खोलिया गया बिल्कुल बाहर एक वड्डा डस्टबिन पे है। डस्टबिन है कूड़े का ढेर जिहड़ा बीमारियों नूं दावत दे रहा है। ये दवाई आपको किस चीज़ की दी गई है? पेट का सिरप दिया है इन्होंने। मैंने तो खांसी बोला था बट इन्होंने ये दे दिया, कह रही है इसमें काम करता है, ऐसे बोले हैं। खांसी में जिंक सल्फेट कैसे काम करेगा? मुझे तो नहीं पता, डॉक्टर्स ने दिया है तो। जो खांसी जुकाम की दवाई बच्चों की है वही खांसी जुकाम की दवाई बड़ों की है, सारी दवाई वही मिलती है। आ जाना कल, आना कल, आना सुबह 9 बजे आना, 8 बजे आना। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सारे टेस्ट जो है यहाँ पे फ्री किए जाते हैं। हाँ फ्री होते हैं, जब करते ही नहीं तो काहे के फ्री है? ना बीपी की गोली, ना खून टेस्ट, ना किसी की चीज की, वो हो रही तो फायदा क्या उस चीज से बता? दवाई नहीं मिलती है, टेस्ट लिखे हुए हमारे, टेस्ट भी नहीं हो रहा है। थायराइड की भी नहीं देती है गोली, बस 4 गोली दे देंगे थायराइड की। दवाई देते हैं थायराइड की और पूरी डिब्बी फ्री में, जब दवाई आती है तो क्यों नहीं देती है फ्री में? किसी पे पैसा है किसी पे नहीं, वो कहां से लाएगा गरीब आदमी पैसा अपना? गरीब तो कभी भी संतुष्ट नहीं होते, चाहे कुछ भी कर दीजिए। गरीब तो कभी भी संतुष्ट नहीं होते, चाहे कुछ भी कर दीजिए। दवाई लेने आते नहीं देते, कहते है ही नहीं, खत्म हो गई। और दुनिया भर का बीमार हो रहा है, दवा लेने ठीक होगा वो? कांग्रेस के राज में दाल मिलती थी, चीनी मिलती थी, तेल भी मिलता था, सब रोक ली। क्या कह रहे हैं, एक चावल दे देता है, गेहूं दे देता, बस और कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। सस्ता तेल भी 200-250 रुपए किलो है, सरसों का 30 रुपए किलो, आलू है 120 रुपए किलो, दाल है, प्याज है 40-50 रुपए किलो। वो तो कायम है, वो करिए गरीबों की सस्ता। स्काई न्यूज़ पंजाब ते तुहाडा स्वागत करदा, मैं कोमल सिंगला। दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होरां वल्लों पंजाब विच आ के लगातार दौरे किए जा रहे हैं ते पंजाब नूं रोज़ाना नवीं गरंटियां दित्तियां जा रही ने, जिस दे चलदे एक गरंटी की गल करिए तां पंजाब दे विच 16,000 क्लीनिक खोलण की गरंटी दी गई है अरविंद केजरीवाल होरां वल्लों, ते नाल ही मल्टी स्पैशलिटी होस्पिटल बनाउण दीआं गल्लां कीतीआं गईआं ने, जिस दे चलदे अज असीं तुहानूं लै के पहुंचे दिल्ली दे कल्याणपुरी इलाके दे विच, जिथे मेरे पिछे इस वेले एक मोहल्ला क्लीनिक मौजूद है, जिथे दा रियलिटी चैक करांगे कि लोग जिहड़े ने उरे केड़ियां दवाइयां लैण आंदे ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल होरां वल्लों दावा कीता गया सी कि 1,000 मोहल्ला क्लीनिक जिहड़े ने खोले जाणगे। सत्ता विच आउण तों पहले दावा कीता गया सी, पर असलियत यह है कि 200 दे करीब जिहड़े ने हुण तक मोहल्ला क्लीनिक खोले गए ने, ते उहनां चों वी जिहड़े अद्धे तो ज़्यादा मोहल्ला क्लीनिक ने ऑपरेशनल नहीं हैं। तो लोगों नाल गलबात करांगे, जाणांगे कि लोगों नूं कीड़ियां सहूलतां उरे मिलदियां ने, किहड़े किन्ने कु टेस्ट किए जाते हैं, तो किन्नियां कु दवाइयां जिहड़ियां ने वो लोगों नूं दित्तियां जांदियां ने। तस्वीरां वेख रहे हो तुसीं दिल्ली दे कल्याणपुरी एरिया दे विच मौजूद हाँ, जिथे केजरीवाल सरकार वालों मोहल्ला क्लीनिक बनाया गया है, ते कुछ जिहड़े मरीज ने उरे वह भी मौजूद ने, गलबात करन दी कोशिश करांगे। मैडम तुसीं की प्रॉब्लम सी थोनू? हमें तो नॉर्मल खांसी जुकाम है, मौसम चेंज हो रहा तो उसकी वजह से जुकाम ज़्यादा हो गया, तो कल रात पार्टी में गए थे तो जुकाम हो गया बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए दवाई लेना है बस। दवाई और आपको, आपसे कोई पैसा लिया जाता है यहाँ पे या किस तरीके से? कोई। ये दवाई आपको किस चीज़ की दी गई है? ये जिंक सल्फेट का सिरप दिया है इन्होंने। मैंने तो खांसी बोला था बट इन्होंने ये दे दिया, कह रही है इसमें काम करता है, ऐसे बोले हैं। खांसी में जिंक सल्फेट कैसे काम करेगा? मुझे तो नहीं पता, डॉक्टर्स ने दिया है तो। मैंने तो खांसी जुकाम बोला है, उन्होंने लिखा भी इसी के लिए, ये दिया है दवाई आपके सामने है। ये दवाई अब आपको जो दी गई है,
ये कितने दिन की दवाई है कुल टोटल? अब ये पीने वाला सिरप तो जितना भी चलेगा, उन्होंने बोला है दो बार लेना सुबह शाम में, और ये दवाई दो दिन का लिखा है वैसे इन्होंने। तस्वीर विखा दें तो मोहल्ला क्लीनिक के बाहर मौजूद हाँ इस वे दिल्ली के कल्याणपुरी एरिया दे विच, ते नाल ही बाहर भी दिखाना चाहवांगे बिल्कुल जिहड़ा हैगा कल्याणपुरी जिहड़ा मोहल्ला क्लीनिक खोलिया गया, बिल्कुल बाहर एक वड्डा डस्टबिन पे है, डस्टबिन है कूड़े का ढेर जिहड़ा बीमारियों नूं दावत दे रहा है, बीमारियों नूं दावत दे रहा है। तो अंदर ही जिहड़ा हैगा इस दे नाल ही अंदर जिहड़ा मोहल्ला क्लीनिक बनाया गया, तस्वीर दिखाने की कोशिश करांगे। मोहल्ला क्लीनिक तो जस्ट बाहर आने हैं, बाहर आते ही वड्डे वड्डे जिहड़े ने डस्टबिन पए ने, कूड़े के ढेर लगे ने। ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। वो एक बंदा ब्लड सैंपल लेके चला जाता है, 9-10 बजे के आसपास वो आता है, 10 बजे के आसपास, और तीसरे दिन रिपोर्ट लेके जाता है। अगर किसी को इमरजेंसी हो टेस्ट करवाने की, इमरजेंसी टेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो बोलेगा कि मुझे शाम को चाहिए, कल को चाहिए, मोस्टली जो टेस्ट करवाते हैं उसको जल्दी हाँ मतलब बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एलएफटी केएफटी लेकिन कि अब जिस तरह से कोरोना हुआ है ना, कोरोना में मोहल्ला क्लिनिक जीरो हो गया था। मैं एक दो और क्लिनिक पे गई थी, वहाँ जस्ट MBBS पास और कई तो पैरामेडिकल वाले, हाँ वो हम लोगों ने देखा। मैं सिर्फ इसलिए पूछी हूँ, जो 4 दिन पहले जो घटना हुई छेड़छाड़ की, मोहल्ला क्लिनिक ने उसने बड़ा कलंक किया है। हाँ लेकिन हाँ उसे मतलब थोड़ी सी मोहल्ला क्लिनिक की बदनामी सी हुई है। इंडिया ने स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि 10-12 साल से नीचे के बच्चों को आप बिना माँ बाप के परमिशन के आप उनको चेक नहीं कर सकते, तो आप इस नियम को खारिज करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होरां वल्लों पंजाब विच आके लगातार दौरे किए जा रहे हैं, तो रोजाना जिहड़ियां ने नवीं गरंटियां दित्तियां जा रही ने, जिस दे विच एक वड्डी गरंटी केजरीवाल होरां ने पंजाब वासियों नूं दित्ती है, जिस 16,000 क्लीनिक खोलण की गल कही जा रही है। गल कर लैंदे आं 5 साल पहला दी, जदों केजरीवाल होरां ने सत्ता दे विच आउण तों पहला दिल्ली वासियों नूं भरोसा दित्ता सी कि 1,000 दे करीब जिहड़े ने मोहल्ला क्लीनिक उरे खोले जाणगे, पर महज 200 क्लीनिक हुण तक खोले गए ने, ते उहनां दे विच की कारगुजारी है ते किस तरीके दे नाल लोकां नूं सेवावां मिलदियां ने, उहदे बारे गलबात करन लई अज मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी CM ने उहनां दे हल्के दे विच पहुंचे आ, शास्त्री नगर विखे मौजूद आ। तुहानूं तस्वीरां दिखा दिंदे आ, इह उही मोहल्ला क्लीनिक है, मोहल्ला क्लीनिक आम आदमी पार्टी वल्लों जिहड़े बनाए गए ने, इह शास्त्री नगर दा उही मोहल्ला क्लीनिक है, शास्त्री मोहल्ले का उही आम आदमी का मोहल्ला क्लीनिक है, जिस दे विच दावा किया जाता कि सारे टेस्ट जड़े ने मुफ्त दे विच किते जांदे ने, ते हर तरह की दवाई दी जाती है, और तक कि वड्डे वड्डे ऑपरेशन जड़े ने वह भी सरकारा वालों फ्री किए जाते हैं। किवें देखते हो कि यह सच है जो केजरीवाल होरां वालों दावा किया जाता है? दवाई नहीं मिलती है, टेस्ट लिखे हुए हमारे, टेस्ट भी नहीं हो रहा है, थायराइड की भी नहीं देती है गोली, 4 गोली दे देंगी थायराइड की उठा कर, 10 दिन की दवाई देते हैं थायराइड की, और पूरी डिब्बी फ्री में, जब दवाई आती है तो क्यों नहीं देती है फ्री में? किसी पे पैसा है किसी पे नहीं, हो कहाँ से लाएगा गरीब आदमी पैसा अपना, हैं? बस 10 गोली देती है गिनती की है, ना BP की गोली, ना खून टेस्ट, ना किसी की चीज़ की, वो हो रही तो फायदा क्या उस चीज़ से बता। सरकार कहती है कि सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सारे टेस्ट जो है यहाँ पे फ्री किए जाते हैं। हाँ फ्री होते जब करते ही नहीं तो काहे के फ्री है, होते तो नहीं है वो, फिर हमें ये परसों आना, तो इंसान खाली थोड़ी बैठा रहे घर में, 100 काम है, अपना काम ना करे इंसान, 15 दिन हो गए सरकारी का, जब टेस्ट ही नहीं हो रहा है हमारे।
पर जब उरे फ्री टेस्ट हुंदे ने तां तुसी बाहर क्यों कराण जांदे हो? जब नहीं करते तो भैया करवाना पड़ेगा, इंसान का मर थोड़ी जाएगा। थायराइड सा कराएंगे नहीं, टेस्ट नहीं होते बिल्कुल टेस्ट। और जो खांसी जुकाम की दवाई बच्चों की है वही खांसी जुकाम की दवाई बड़ों की है, सारी दवाई वही मिलती है। और बोल दो कि खांसी जुकाम आराम नहीं पड़ रहा जी, ये दवाई चलेगी, इसके अलावा दवाई नहीं चलेगी। अभी अंदर भी जाके देख लो, वही शीशी छोटी वाली है, वही शीशी बड़ी वाली है, बच्चे की वही है, बड़े की वही है, फ़ायदा क्या होगा उसमें? पर सरकार दावा करती है कि पूरे पढ़े लिखे डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है, पूरा स्टाफ मौजूद है, फिर ऐसा क्यों किया जाता? नहीं देते दवाई बिल्कुल भी, अगर इनसे बोलो ना बाहर की भी दवाई से आराम पड़ रहा है, लिख के दे दो, नहीं देंगे लिख के, या कुछ और बोल दो, दवाई दूसरी नहीं मिलेगी, सिर्फ वो दवाई चलेगी। प्राइवेट डॉक्टर हमें इलाज करा रहे हैं, अगर उन लोगों ने टेस्ट लिख दिए तो ये लोग टेस्ट नहीं करते, यूँ कहते हैं हमारे यहाँ से पहले दवाई खिलाओ या सरकारी लिखवा कर लाओ तब हम टेस्ट करेंगे, वरना टेस्ट नहीं करेंगे। चलो तो टेक्निकली ठीक है ना, जब किसी और डॉक्टर ने टेस्ट लिखे हैं तो ये क्यों करेंगे? पर अगर यहाँ पे आप आते हो ब्लड टेस्ट करवाने, रूटीन टेस्ट करवाने, वो हो जाते हैं? वो हो जाते हैं, मगर टालाटूली ज़्यादा करते हैं। कि आ जाना, कल आना, कल आना, सुबह 9 बजे आना, 8 बजे आना, सब काम धंधे वाले बंदे की कि सुबह 9 बजे आना, 9 बजे आए, 10 बजे आए, 11 बजे आए। अच्छा, हकीकत बात है, ये बोल रहे हैं हकीकत बात, दवाई है, तारीख का लिखा हुआ है, आज तारीख 2 हो गई, तो इनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इनको ये लिखना नहीं चाहिए कि हम नहीं लिख पा रहे, क्यों करते हो फिर? और भी महिलावां और मौजूद ने होना तो जानकारी ले लेने हैं कि जेड़ी गल ये कह रहे ने वो सच है किते? हां सच है, बिल्कुल सच है। गैस तक की दवाई लेने आते हैं, नहीं देते, कहते हैं ही नहीं, खत्म हो गई, फिर चले जाते हैं। और क्या करते हैं भैया, सिलेंडर पे 1000 रुपए का तेल, 250 रुपए, हम गरीब आदमी हम कहाँ से लाएंगे बताओ? कांग्रेस के राज में हो गया वो हो गया, बाकी उसके बाद में तो कुछ नहीं है। केजरीवाल साहब ने जताया था तो नहीं है, तुसी हो वोटा पाने हो, एक बार भी नहीं, दो बार मौका देते। ख्वाब दिखाए थे जनता को, ख्वाब दिखाए थे, जनता आ गई मामले में। हाँ, पानी की कहते हैं, पूरा पानी से सड़क आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा था, दवा ले लो डिस्पेंसरी से। हैं, आज पब्लिक इतनी परेशान है, एक बार मनीष सिसोदिया इलेक्शन लड़के आज तक नहीं आए देखने, लोग इन्फेक्शन होगा, किडनी खराब हो गई, और दुनिया भर का बीमार हो रहा है, दवा लेकर ठीक होगा वो? हैं, एक बार गेहूं दे दिए क्या उससे इंसान का घर चल रहा है? हैं, बच्चों को कहीं नौकरी नहीं, सरसों का तेल 200 रुपए किलो, सिलेंडर 900 रुपए का, सारी चीज पे तो महंगाई, दाल 100 रुपए किलो है, क्या करेगा गरीब आदमी? वो दवा खा के मरेगा फ्री की? चीनी रोक ली, दाल रोक ली थी, दाल भी मिलती थी कांग्रेस के राज में, दाल भी मिलती थी, चीनी मिलती थी, तेल भी मिलता था, सब रोक ली। क्या ले रहे हैं? एक चावल दे देता है, गेहूँ दे देता, बस और कोई काम नहीं है। हाँ, तेल बंद कर दिया, सब चीज बंद कर दिया, अब रह क्या गया? कुछ भी नहीं, 900 का सिलेंडर, 250 रुपए किलो तेल कर दिया, कहाँ से खाएंगे हम? केजरीवाल साहब कहते ने स्कूलों की गल की, तुम स्कूल तो कहते जे जे दिल्ली च ने पूरे वर्ल्ड च नहीं किते है, 250 स्कूलों की लिस्ट भी जारी की। नहीं वो चीज हमें नहीं पता इस बारे में, पर ये है कि जो बच्चों के आती थी ड्रेस के पैसे, किताबों के पैसे, जो बच्चों के आते थे वो अब किसी को नहीं मिले, 2 साल हो गए। मिला हमें चूल्हा, चूल्हा जो मिला हमें कांग्रेस के राज में मिला, हमें कोई मोदी ने नहीं दिया, ना कोई मनीष सिसोदिया ने दिया, बस अब तब कितने का आता था? 300, 350 का चूल्हा आता था, 400 रुपए का सिलेंडर था, आज तो भूखे मर जाते। और भी लोग ने और गलबात कर लेने, पूरा हल्का जड़ा है गया, साढ़े एक सदे से पूरा हल्का इकट्ठा होया है, सर्वेखन कर रहे हैं, रियलिटी चेक करना है यहाँ कि जेड़े वादे पंजाब दे विच केजरीवाल होरा वालों किते जा रहे ने, उन्हां दी असल सच्चाई की है? खत्म नहीं आ रहा, और क्या 400 रुपए का सिलेंडर है कांग्रेस के जमाने में, 400 रुपए का है, आज 900 रुपए का सिलेंडर है, और 900 रुपए में सुनो मतलब अब हुआ होगा, पहली तारीख से पिछले महीने में हमने 900 का लिया, अच्छा उसमें पहुंच जा कर खाते में पहले पैसे, अब 1 रुपया नहीं आ रहा, अब तुम एक बताओ 500 रुपये एकदम बढ़ रहे हैं खाते उस पे सिलेंडर पे, 400 रुपये का है कांग्रेस के जमाने में जब हमने लिया है लेकर आए। केजरीवाल साहब ने पेट्रोल डीजल सस्ता करता, 8 रुपये सस्ता कितने हैं? कुछ नहीं है सस्ता, तेल भी 200-250 रुपये किलो है, सरसों का 30 रुपये किलो आलू है, 120 रुपये किलो दाल है, प्याज है 40-50 रुपये किलो, बताओ काय में करिए गरीबों की सख्ता, बताओ तुम्हें है, बताओ कहाँ से लावे गरीब आदमी, मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाई? गरीब वही है जो हर बार बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पैसे बढ़ाते जाते हैं, और हमारे गरीबों को हम
कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कवाड़ा उठा रहे हैं, कैसे मजदूरी कर रहे हैं, मगर इन्हें तो चाहिए महंगाई बढ़ाते जाओ, पैसे बढ़ाते जाओ, कि ये नहीं चाहिए हथियार कि ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए पब्लिक को, नहीं चाहिए पेप्सी, सारी नौकरी बंद कर दी, काम धंधे बंद कर दिए उन्होंने। केजरीवाल साहब कहते हैं बड़े रोजगार देते ने, कितना रोजगार दे दे ये तो बता दो, कितने रोजगार दे दे, सब बुटीक बंद कर दिए, सारे काम बंद कर रखे हैं, रिक्शे वाले चले तो उनकी बंद कर देते, पुलिस वाले डंडे मार मार के कौन सा वो कर दिया उन्होंने, केजरीवाल साहब के हाथ चाहे होता सेंट्रल गवर्नमेंट देख दिया। हाँ तो केजरीवाल ने कौन सा वो कर दिया उन्हें, पैसे हर चीज पे महंगाई बढ़ा दो, ये कर दो, क्लिनिक खोलते फ्री इलाज होता लोग, बहुत मोहल्ला बहुत बड़ा है ये, यहाँ तो बहुत तगड़े इलाज होते हैं, अगर पट्टी भी करवाने जाओ ना, पट्टी नहीं होती यहाँ पे, बाहर करवाओ, समझ गए। ये शिकायत की आपने इसकी डिप्टी सीएम एमिनेंसी से, तो सबके पास पहुँची हुई है, सबके पास पहुँची हुई है शिकायतें, मैंने सोदिया के पास पहुँची हुई है सारी शिकायतें पहुँची है, पहले ये बंद होता था 5 बजे, अब होता है ये 7 बजे, तब इंक्वायरी पहुँची है ना, वहाँ शिकायतें पहुँची है तब जाके 7 बजे बंद होता है, नहीं तो पहले 5 बजे 5:30 बजे इतना बंद हो जाता था, मरीज आ रहे हैं वो आ रहे हैं कोई बात नहीं, हमें मतलब नहीं है, बंद करा और चल दिए। तुसी सुनिया ये सन साडे नाल मनीष सिसोदिया और हल्के दे एक विधायक ने जेडे मनीष सिसोदिया और नाल ही डिप्टी सीएम ने दिल्ली दे, उन्होंने हल्के का एक एरिया शास्त्री मोहल्ला जिदे विच एक मोहल्ला क्लीनिक दिल्ली सरकार वालों चलाया जा रहा, उसकी असलियत तुहाडे सामने लियाती, रियलिटी चैक किया तो पता लग्या कि कोई दवाई कोई टैसट जड़े ने इन मोहल्ला क्लीनिक्स के नहीं लोगों के किए जाते, लोगों के नाल कोपरेट नहीं किया जाता, तो पंजाब की जनता को हूँ 2022 पार्टी की चोण करनी है जरूर सोचने की लोड़ है। कैमरा परसन विपन के नाल कोमल सिंगला, स्काई न्यूज़ पंजाब दिल्ली।